अरे अब बस भी कर, कितनी बार देखेगी अपने आप को आईने में। हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ ना माँ? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। अंजू बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। अंजू हमारी कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। हाँ वैसे तुम दोनों के बड़े ठाट हो गए हैं यहाँ आकर। क्या करें भाई, जैसा देश वैसा भेष। अंजू बेटा चलें, अंजू का आज स्कूल में पहला दिन है, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। अरे मैं कैसे जाऊं, इतने काम पड़े हैं, वैसे भी मुझसे नहीं होता ये सब। कोशिश करो तो सब होता है। अरे अब देर हो गई है, चलो चलो बेटा चलो चलो, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, ठीक है? अरे हाँ, आजकल मैं गांव से वकील साहब की चिट्ठी भी आती होगी, एक बार वो जमीन का केस निपट जाए तो। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो। अच्छा चलो बेटा। तुम इसे शर्मा हो ना? मैं सरला, वो सामने वाले मकान में रहती हूँ। आइए। नहीं नहीं फिर कभी, अभी तो तुम भी काम कर रही हो। नहीं 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 मेरा काम तो हो गया, आप आइए ना। लगता है तुम्हें कढ़ाई बुनाई का बड़ा शौक है। अरे बस यूं ही खाली समय में करती हूँ, बैठिए। आपको शौक नहीं है? है तो, मगर ठीक से आता नहीं। बस किताबें पढ़कर कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तुमने तो कितना अच्छा बनाया है, तुम्हारे पास अच्छे डिजाइनों की कोई किताब होगी? नहीं मैं तो बस ऐसे ही, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं। अरे अभी बन जाएगी, आप पहली बार आई हैं। एक मिनट। हे भगवान, फिर से क्या हुआ? एक और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? आज का पेपर नहीं पढ़ा तुमने? नहीं दरअसल वो सुबह से काम में लगी थी ना। पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं लोग, ना अपनी जान की फिक्र ना दूसरों की। अरे वाह, ये हुई ना काम की बात। अब क्या हुआ? औरतों को कढ़ाई बुनाई सिखाने वाली एक संस्था के बारे में लिखा है, पता लिख लूं, जरा कागज पेन दोगी? हाँ जरा लिखना। तो कांता रहेजा 103 रामबाग। क्या हुआ? वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं सामान में कहाँ रख दिया, और बिना चश्मे के तो। कोई बात नहीं मुझे दे दो, मैं लिख लेती हूँ। काफी समय हो गया है। ये तो अच्छा होगा कि तुम ही अंजू की क्लास टीचर होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब महेश भैया ने चिट्ठी में आप लोगों के यहाँ आने के बारे में लिखा, मैं तभी से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ अब मुझे भी यहाँ आने जाने के लिए एक घर मिल गया। हाँ। है ना अंजलि? हाँ। बड़ी प्यारी बच्ची है और थोड़ी थोड़ी शैतान। क्या पापा, मैं कहाँ ज्यादा शैतानी करती हूँ, इसीलिए तो थोड़ी थोड़ी बोला है मैंने। आपका आना अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर आइएगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन अब तुम आना। अरे नहीं, अरे आपका पाँव इस पे पड़ सकता था, कल रात यहाँ पर एक गिलास टूट गया था, उसी का टुकड़ा होगा। किसी को भी लग सकता था। हाँ लेकिन कमाल है, इतना छोटा कांच का टुकड़ा मैंने नहीं देखा और तुमने देख लिया, वो भी बगैर चश्मे के। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ माँ, मेरी नई सहेली है ना नेहा। हाँ। कह रही थी कि वो हर साल फर्स्ट आती है क्लास में, और पता है उसको उसकी माँ पढ़ाती है घर पे, तो इसलिए तो फर्स्ट आती है हर साल। अच्छा तो फिर तुम्हारे स्कूल वाले क्या करते हैं? अरे भाई आजकल की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, जितना स्कूल में पढ़ो उससे ज्यादा घर पर पढ़ना पड़ता है। ये अच्छा है कि बच्चे के साथ माँ बाप भी पढ़े। क्यों नहीं, अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर।
तो तुम पढ़ाओ ना, मुझे सुनाने की क्या जरूरत है। मैं कहाँ सुना रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। दो घरों का काम ही ठीक पड़ता है बहन जी, दूसरे घरों में तो इतना कपड़ा इतने बर्तन की पूछो मत। मैं तो ज्यादा काम लेती नहीं, वो तो सरला बहन जी ने बोला कि अच्छे लोग हैं कर लो, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। वैसे भी बहन जी ज्यादा काम करके करना क्या है, दो टाइम की रोटी मिल जाए बस बहुत है। वैसे शंकर मुझे पैसे भेजता है, शंकर मेरा बेटा बहन जी। बहन जी जैसे से पता लग गया ना कि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ने के खातिर तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा अम्मा अब तो तू कलकत्ता बन जाएगी। बावला कहीं का, अब बताओ भला इस उम्र में मैं क्या बनूंगी, अब तो बस इतना हो जाए कि मैं चिट्ठी लिख लूं पढ़ लूं, है ना बहन जी? अरे हाँ बहन जी, कल ही तो मेरे बेटे की चिट्ठी आई थी, बहन जी जरा पढ़ दो ना। अभी फुर्सत कहाँ है राधा भाई, शाम को आना। हाँ शाम तक कैसे सब्र करूंगी बहन जी, है बेटे की चिट्ठी है। ए दो मिनट की बात है बहन जी, पढ़ दो ना। क्या लिखा है बहन जी? हाँ लिखा है मैं यहाँ अच्छा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी अच्छी होगी। अरे ऐसा लिखा? कैसा? ऊपर नहीं लिखा मेरी अम्मा? हाँ लिखा है ना मेरी अम्मा। हाँ अच्छा अच्छा, और मेरा पोता कैसा है? वो ठीक है, तुम्हें याद करता है, क्या नाम है उसका? बावला कहीं का, बताओ बाप होके मेरे से नाम पूछता है। मैं पूछ रही हूँ, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, गुड्डू कहते हैं बहन जी। हाँ गुड्डू। और मेरी बहू तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मुझे भी बहुत याद आती है। ये रवि शर्मा जी का घर है ना, मैं ज्योति। आप टीचर बहन जी है ना? नमस्ते। बस हो गया, अब इससे ज्यादा क्या लिखा होगा, आइए ना। सुनिए ज्योति, तुम आओ आओ। आज छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा आज सब घर पर ही होंगे। बैठो ना। अंजलि देखो तो कौन आया है। अंजलि तो सारा समय बस तुम्हारी ही बात करती रहती है, अभी जरा शर्मा रही है। बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत होशियार भी, कहती है मुझे खूब पढ़ना है, खूब सारा, है ना अंजलि? कितना सारा? इतना सारा। आशा बैठो ना तुम भी। ये दोनों तो दिन भर घर पर नहीं रहते, आप तो बहुत बोर हो जाती होंगी ना? नहीं, घर के काम क्या कम होते हैं। अंजू बेटा, वो जो सुबह ड्राइंग बना रही थी वो अपनी टीचर को नहीं दिखाओगी? जाओ। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आपको उसका मेंबर जरूर बनना चाहिए, जब भी फुर्सत मिले मुझे कहिएगा, मैं ले चलूंगी आपको। कितने ही मेंबर बनवा दिए हैं मैंने, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ आशा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम ठीक थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो आशा, ज्योति हमारे यहाँ पहली बार आई है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो क्या सोचेगी? फिर जो सोचना है सोचे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी तुम और अंजलि हो ना उसकी देखभाल करने के लिए। देखो आशा तमाशा मत करो। मैं तमाशा कर रही हूँ। चिल्लाओ मत। देखो ये शहर है, तुम्हें इस तरह की बातों का कदम कदम पर सामना करना पड़ेगा। यही कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगने लगा है कि ये कमी तुम्हें भी अखरने लगी है। मुझे क्यों अखरने लगी? मुझे कौन सा स्कूल टीचर बनना है। तो ठीक है, तुम्हें लोगों से मिलने में शर्म आती है तो पड़ी रहो यहीं।
जो पॉइंट उसके साथ लगता था वो बिल्कुल बराबर चल रहा है ना। अच्छा उसमें टेंशन नहीं, और इधर जो तुम फीड करते थे उसको भी तुमने बराबर किया ना। अच्छा अच्छा, तो अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम आता तो फिर मेरे को बताने का, ओके? और मैं आके सारा रिमूव करके तुम्हें देगा नाला। अरे रवि, अरे कैसे हो? ठीक हूँ। और आज सुबह के दिखाई नहीं दिया। हाँ क्या बात, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं तो, हाँ कुछ तबीयत ठीक नहीं है। यार सारा दिन काम में लगे रहोगे तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी? देख रवि, तेरी तरक्की देखे तो कभी कभी हमें जलन होने लगती है। मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। वैसे रवि, मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूँ कि जितनी लगन और मेहनत से रवि काम करता है बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अब ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो और कौन बढ़ेगा? सुना है तेरी एक और तरक्की होने वाली है। पता नहीं, सुना तो मैंने भी है। बहुत खुशकिस्मत है दोस्त, अच्छी नौकरी, सुखी परिवार, अब इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए भला। एकदम पता नहीं क्या हुआ, अचानक ठंड लगने लगी और शाम तक बुखार हो गया। फिर आप घर जल्दी क्यों नहीं आए पापा? काम छोड़कर कैसे आते बेटा? दवा ली? हाँ, शाम को डॉक्टर को दिखाता हुआ आया था। अब खाना खाकर सो जाना। पर पापा मेरा होमवर्क। अंजू, पापा की तबीयत खराब है ना? कोई बात नहीं, अभी खाना खाकर देखते हैं बेटा। उसकी परीक्षा नजदीक आ रही है। हाँ तो दो तीन दिन अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा? तुम्हारी तबीयत? मेरी तबीयत को ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। रवि बाबू हैं? आप कौन? मैं भरतपुर से आया हूँ, आपके वकील साहब ने भेजा है, कुछ जरूरी कागजात दस्तखत करने थे। ओह, वो तो सो गए हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप सुबह आइएगा। नहीं नहीं, मुझे तो अभी बस पकड़ कर वापस जाना है, अदालत में सुनवाई की तारीख मिली है इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा एक मिनट, एक गिलास पानी मिले? हाँ। दरअसल उनकी तबीयत काफी खराब है, आप बाद में? नहीं नहीं बहन जी, बहुत जरूरी है। ठीक है फिर मैं उन्हें उठा देती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है, आप ही मिसेस शर्मा है ना, आपके दस्तखत भी चलेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ, आप ही कर दीजिए ना। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं चाय रहने दीजिए, मुझे जल्दी जाना है, आप कर दीजिए ना प्लीज, एक बार पढ़ लीजिए, आपको तो सब मालूम ही है। पेन दो? नहीं। जी जरा जल्दी करेंगे। आप कल सुबह नहीं आ सकते? मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी बस पकड़नी है। कौन? नमस्ते रवि बाबू, वकील साहब ने भेजा है, आप सो रहे थे तो मैंने इनसे कहा दस्तखत कर दें। अगर मैंने कहा था वकील साहब को, इस शर्त के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप बता दीजिए उन्हें, ये बात निकाल दें। लेकिन दस्तखत ऐसे कैसे कर दूं? आप ये पेपर्स ठीक करवा लीजिए। ठीक है, आप समझा दीजिएगा वकील साहब को, और हाँ दस्तखत मुझे से करवाइएगा। अच्छा, अगर मैं घर पर नहीं होता तो तुम दस्तखत कर देती? भूलकर भी ऐसा नहीं करना। अंजू का आज स्कूल में पहला दिन है, तुम भी चलती तो अच्छा होता। अरे मैं कैसे जाऊं, इतने काम पड़े हैं, वैसे भी मुझसे नहीं होता ये सब। कोशिश करो तो सब होता है। अरे अब देर हो गई है, चलो। अब मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है,
पता नहीं सामान में कहाँ रख दिया और बिना चश्मे के तो आपका पाँव इस पे पड़ सकता था। कल रात यहाँ पर एक गिलास टूट गया था, उसी का टुकड़ा होगा। किसी को भी लग सकता था। हाँ, लेकिन कमाल है, इतना छोटा कांच का टुकड़ा मैंने नहीं देखा और तुमने देख लिया, अब वो भी बगैर चश्मे के। अच्छा मैं चलती हूँ। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आपको उसका मेंबर जरूर बनना चाहिए। जब भी घर के काम से फुर्सत मिले आप मुझे कहिएगा, मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। कितने ही मेंबर बनवा दिए हैं मैंने। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, जितना स्कूल में पढ़ो उससे ज्यादा घर पर पढ़ना पड़ता है। ये अच्छा है कि बच्चे के साथ माँ बाप भी पढ़े। क्यों नहीं, अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर। तो तुम पढ़ाओ ना, मुझे सुनाने की क्या जरूरत है। मैं कहाँ सुना रहा हूँ। अरे हाँ याद आया बहन जी, ये कल ही तो मेरे बेटे की चिट्ठी आई थी। बहन जी जरा पढ़ दो ना। अभी फुर्सत कहाँ है राधा भाई, शाम को आना। हाँ शाम तक कैसे सब्र करूंगी बहन जी, है बेटे की चिट्ठी है। ए, दो मिनट की बात है बहन जी, पढ़ दो ना। देखो ये शहर है, तुम्हें इस तरह कातों का कदम कदम पर सामना करना पड़ेगा। यही कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगने लगा है कि ये कमी तुम्हें भी अखरने लगी है। मुझे क्यों अखरने लगी, मुझे कौन सा स्कूल टीचर बनना है। तो ठीक है, तुम्हें लोगों से मिलने में शर्म आती है तो पड़ी रहो यहीं। बेटा जरा चिट्ठी तो पढ़ दे। लिखा है मेरी अम्मा, बहुत दिनों से मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, गुड्डू बीमार है, तुम्हें याद करता है, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, जितने जल्दी हो सके, तुम्हारा बेटा शंकर। बेटा ठीक से पढ़। ठीक से तो पढ़ रही हो। क्या हुआ राधा भाई? साहब जी जरा एक बार चिट्ठी तो पढ़ना। तुम्हारे बेटे ने लिखा है कि गुड्डू की तबीयत खराब है, तुम तुरंत चली आओ। ऐसा कैसे हो सकता है साहब जी, उसी ने आशा बहन जी ने चिट्ठी पढ़ के बताया था कि घर में सब ठीक है। आशा ने? हाँ साहब जी, आशा बहन जी ने तो पढ़ के सुनाई थी। टीचर बहन जी आप भी तो थी ना उस दिन। मैं? अरे उसी दिन जब मैं यहाँ बैठी थी बहन जी यहाँ पढ़ के सुना रही थी। हाँ लेकिन हुआ क्या? बहन जी होना क्या, मैंने आशा बहन जी को चिट्ठी पढ़ने को कहा तो उन्होंने कह दिया घर में सब ठीक है, ये तो बताया ही नहीं कि मेरे पोते की तबीयत खराब है। आज तो मेरे बेटे का दोस्त मिल गया, उसने बताया कि सब राह देख रहे हैं मेरी, और मुझे यहाँ पता ही नहीं है बहन जी। ये क्या शोर मचा रखा है राधा भाई? बहन जी उस दिन आपने चिट्ठी पढ़ी थी तो बताया था कि घर में सब ठीक है, ये तो बताया नहीं कि मेरा गुड्डू। नहीं बताया क्या मतलब, अरे जो लिखा था वही तो बताया। लेकिन साहब जी तो कह रहे हैं कि घर में तुरंत बुलाया है मेरे को। अरे ये कोई दूसरी चिट्ठी होगी। नहीं बहन जी ये वही चिट्ठी है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये अच्छा है तुम इन लोगों के लिए काम करो और फिर इनकी बातें सुनो। देखो देखो राधा भाई सब ठीक हो जाएगा, तुम अभी तुरंत चली जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ राधा भाई तुम फिक्र क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पैसे वैसे चाहिए हो तो? बस बस बहन जी रहने दो, हमारा गुड्डू ठीक हो जाएगा। झूठ की क्या जरूरत थी, अगर कुछ हो गया तो। हे भगवान इसके पोते को ठीक रखना। राधा भाई ने ऐसा क्यों कहा? माँ तुम क्यों रो रही हो, तुमने थोड़ी ना झूठ बोला है। अरे इन लोगों की बातों का क्या बुरा मानना, कुछ भी करो इनके लिए सब बेकार। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आशा जी को झूठा साबित करके उसे क्या मिलेगा। झूठ उसने नहीं, मैंने बोला है
लेकिन कसम से उसका बुरा चाहते हुए नहीं। अरे मैं क्या करती, मैं क्या कहती कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इतना छोटा सा सच, मगर मुझे उसे मानने में कितना समय लगा। अब सोचती हूं तो डरती हूं, अगर उस दिन राधा भाई नहीं आई होती तो शायद आज तक मैं उसी झूठ की उंगली को थामे चलती रहती। मुझे लगता था मेरा अनपढ़ होना लोगों के लिए मजाक होगा। कितनी गलत थी मैं, सभी तो मेरे साथ थे, एक मैं ही थी जो मन के चोर को छुपाए सभी से आंखें चुराए बैठी थी। शुरुआत मुझे ही कदल थी, तकलीफ हुई, समय भी लगा, कोशिश अब भी जारी है। और अब मैं अकेली नहीं हूं।